बढ़ती दुर्घटना मृत्यु को देखते हुए एमपी हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मोटर यान अधिनियम के तहत नियम फॉलो करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके लिए चालानी कार्यवाही के साथ जुर्माना भी तय कर दिया गया। सीट बेल्ट बांधना होगा, हेलमेट पहनना होगा तथा नियमों का पालन करना होगा। इस आदेश के बाद भोपाल में सख्ती नजर आई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, जिसमें नियमों का पालन नहीं करने वाले होंगे दंडित तथा पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। वहीं वाहन चालकों के साथ साथ बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। जी हां, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, महिलाओं को भी रोका जा रहा है और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं दुर्घटनाओं के पश्चात होने वाली अकाल मृत्यु को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं कि शासन स्तर पर एक बृहद अभियान चलाया जाए। ऐसे दोपहिया वाहन चालक जो वाहन चलाते समय हेलमेट धारण नहीं करते हैं तथा चार पहिया वाहन चालक वाहन चलाते समय सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सर, ये जो आदेश जारी हुआ है उसका प्रभाव आज तो भोपाल शहर में देखने को नहीं मिला है। आज पहला दिन है, पहले दिन में हमारे चूँकि अभी आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के चुनाव संपन्न हुए हैं तो उसके पश्चात ये कार्रवाई आज से शुरू की गई है। आज भी दोपहर तक लगातार कार्रवाई की गई है, लगभग 400 से ऊपर चालान बनाए गए हैं और 35 पॉइंटों के ऊपर चेकिंग लगातार जारी है। पूरे शहर में अभियान चल रहा है, निश्चित रूप से आपको एक दो दिन में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। किन किन स्थानों पर विशेष रूप से पॉइंट बनाए गए हैं? पॉइंट जैसे थाना टीटी नगर के अंतर्गत रोशनपुरा चौराहा है, बागसेवनिया के बागसेवनिया थाना चौराहा है, अल्पना तिराहा है, बस स्टैंड चौराहा है, रेत घाट चौराहा है, ऐसे भोपाल शहर में कई स्थान हैं जहां पर लगातार चेकिंग चल रही है। हाँ, ऐसे आदेश माननीय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी किए गए और इनके प्रचार प्रसार के लिए भी एक जागरूकता अभियान चला जा रहा है। बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, पंपलेट्स भी बांटे जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शासन स्तर पर बृहद कार्रवाई की जाएगी, शासन के अन्य विभाग ही इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में जो पेट्रोल पंप बिना हेलमेट के पेट्रोल देते हुए पाए जाएंगे, देखिए पुलिस का काम है चालानी कार्रवाई करना, तो चालानी कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है, समझाइश भी दी जा रही है, पहले लोगों को अवेयर किया जा रहा है, नहीं मान रहे तो चालानी कार्रवाई की जा रही है और पेट्रोल देने नहीं देने के जो आदेश हैं वो जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी किए गए। किस चीज़ का सर? जो बैटरी वाली गाड़ी चल रही है जी, बिना किसी नियम के नाबालिग बच्चे भी उन्हें चला रहे हैं जी, उनके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? उनके विरुद्ध भी अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक वाहन चालक को वाहन चलाते समय वैध लाइसेंस धारण करना अनिवार्य है और जो वैध लाइसेंस नहीं होंगे, दस्तावेज नहीं होंगे तो उनके खिलाफ नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी। लगभग 10 ऑटो रिक्शा के खिलाफ आज रंगमहल चौराहे पर कार्रवाई की गई है। बता दें भोपाल के साथ प्रदेश के अन्य शहरों में भी यातायात नियमों को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। भोपाल से मृदु भाषी के लिए रश्मि जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।